हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि पबजी में आरपी लेवल कैसे बढ़ाते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, दो तरीके होते हैं आरपी लेवल बढ़ाने के। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप पैसे देकर आरपी लेवल को ख़रीद सकते हैं और अपने आरपी लेवल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आता। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जो है मिशन कंप्लीट करके अपने आरपी लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो ये मिशन क्या है, कैसे जो है इसको कंप्लीट किया जाता है, इसमें क्या करना पड़ता है, और इसको कंप्लीट करने के बाद मिलता क्या है, अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको करना क्या है, अपने मोबाइल पर पबजी मोबाइल गेम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर आप सभी को आरपी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप सभी को एक ऑप्शन मिलेगा रिवार्ड का, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा मिशन का। तो हम जो है यहाँ पर मिशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे मिशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, डेली मिशन और एक होता है चैलेंज मिशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डेली मिशन के बारे में। डेली मिशन जो है हर रोज़ आता है, और इन मिशन में क्या होता है, चलिए जैसे कि मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आज का पहला मिशन ये है ऐड ए फ्रेंड। मतलब पबजी में जो है आपको एक फ्रेंड को ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपका ये आज का पहला मिशन जो है कम्प्लीट हो जाएगा। ऐसे करके जो है आप सभी को धीरे धीरे करके जो है ये पहला मिशन, दूसरा मिशन, तीसरा मिशन और ये चौथा मिशन को जो है कंप्लीट करना है। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके इन मिशन को कंप्लीट करेंगे, वैसे वैसे जो है आपकी धीरे धीरे करके जो है आपकी आरपी लेवल भी बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन रहता है चैलेंज मिशन का, इसको भी कम्प्लीट करने के बाद जो है आपकी आरपी लेवल बढ़ती है। तो चलिए जो है हम यहाँ पर चैलेंज मिशन के बारे में जान लेते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चैलेंज मिशन में लिखा है यहाँ पे फोर्थ वीक, थर्ड वीक, सेकेंड वीक और इससे पहले जो है फर्स्ट वीक। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में क्लिक कर देते हैं। तो फर्स्ट वीक में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप सभी को बहुत सारे मिशन जो है देखने को मिल जाएंगे। सेकेंड वीक में जो है भी आपको बहुत सारे मिशन देखने को मिल जाएंगे। ऐसे जो है चौथे वीक में भी बहुत सारे आपको मिशन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इन मिशन को कम्प्लीट करने के बाद जो है आपकी आरपी लेवल बढ़ती है। तो जैसा कि चलिए मैं आप सभी को पढ़ के दिखा देता हूँ। चौथे वीक का पहला मिशन यहाँ पे लिखा है गेट ए लेवल 3 हेलमेट इन 10 मैच। यहाँ पे जो है आप सभी को लेवल 3 का हेलमेट जो है इस्तेमाल करना है 10 मैचों में, और जैसे जैसे आप जो है इसको 3 बार करना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको 10 बार करना है। 3 बार मैंने कम्प्लीट कर लिया, 10 बार जब मैं इसको पूरा कम्प्लीट कर लूँगा तो ये जो मिशन मेरा जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे करके जो है आपको पूरे मिशन जो है कम्प्लीट करने रहते हैं। तो ये मिशन के बारे में अगर आप ना जान पाएँ कि भैया इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है किल 5 एनिमी को मारना है जो है इस वाली तीर धनुष वाली से, तो इसको अगर आप नहीं जानते या नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या करना है, तो आप क्या करिएगा कि इस मिशन को पूरा कॉपी करके यूट्यूब में सर्च कर दीजिएगा, और वहाँ पर जो है आप सभी को बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, और उन वीडियो में जो है आप सभी को पूरा पता चल जाएगा कि इस मिशन में करना क्या है और कैसे जो है आप इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस मिशन के बारे में आपको नहीं पता है, नहीं जानते कि क्या करना है, कैसे कंप्लीट होगा, तो उस मिशन को जो है आपको यूट्यूब में जाके सर्च कर देना है। वहाँ पे जो है आप सभी को बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इन मिशन को जो है कैसे कम्प्लीट करना है। तो दोस्तों, ऐसे करके जो है आपको डेली मिशन को भी कम्प्लीट करना है और चैलेंज मिशन को भी कम्प्लीट करना है। कम्प्लीट करने के बाद जो है यहाँ पर कलेक्ट ऑल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो है आप सभी को क्लिक कर देना है। चलिए मैं आप सभी को इसके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि आप ये वाला मिशन कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके आरपी के 100 कॉइन मिल जाएंगे, यहाँ पे 50 कॉइन मिलेंगे, ये 50 कॉइन मिलेंगे। तो इन कॉइन को जब आप कलेक्ट करेंगे तब जो है आपका आरपी लेवल जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिवार्ड का एक ऑप्शन मिलता है, तो चलिए इसके बारे में भी जो मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा आरपी लेवल जो है 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को 11वें में क्या मिला, 10वें में क्या मिला, 9वें आरपी लेवल में क्या मिला। अगर आप 40वें लेवल पे जाएंगे, चलिए मैं 40वें में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या मिलता है। ये देखिए 40वां लेवल है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है एक इमोजी देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये कर रहा है, ये पबजी में जो है बहुत सारे लोगों को आपने करते हुए देखा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है अगर आपका आरपी लेवल 40 हो जाएगा ना, तो ये चीज़ जो है ये वाली इमोजी जो है आपको मिल जाएगी, और इसका इस्तेमाल जो है आप गेम खेलते समय कर सकते हैं।
तो दोस्तों यही होता है आरपी लेवल बढ़ने के बाद जो ये यही सभी चीज़ें जो है आपको मिलती है, जैसे कि कपड़ा जूता चप्पल मिल जाएगा और स्किन मिल जाएगी, बंदूक की जो है स्किन मिल जाती है और कपड़े मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप सभी को मिलती रहती है। तो ये सब रिवार्ड में क्लिक करके आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपने आरपी लेवल को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि एक तरीका ये होता है कि पैसे से खरीद सकते हैं और दूसरा तरीका ये होता है कि मिशन कंप्लीट करके आप अपने आरपी लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो केवल दो ही तरीके हैं आरपी लेवल बढ़ाने के। तो दोस्तों ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ भी अगर आपके मन में सवाल हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरी मेहनत पर एक लाइक ज़रूर इस वीडियो को दीजिएगा। तो शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें।